अलैकुम। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियों के मामले करे। आज मैं, सबको पता है कि ईद आने वाली है, तो शीर खुरमा बनाती हूँ। जैसे मैं उसकी रेसिपी आप लोगों को बताती हूँ। ये मैंने सारी मेवा लेके यहाँ चॉप कर ली थी, शुगर है, सिवैयाँ हैं, दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है। चलें अब इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले मैंने घी में जो है ये सारी मेवा, मैं इसको ब्राउन कर लूँगी मीडियम फ्लेम पर ना। ये देखिए, मैं ये सारे छुआरे थे, बादाम पिस्ते थे, आपको जो भी मेवा डालनी है आप डालें, और घी में इसको लाइट ब्राउन कर लें। ये मैंने ब्राउन कर ली थी मेवा सारी, और निकाल के यहाँ रख दी। शुगर रखी है, ये सिवैयाँ हैं, इसको भी मैं मीडियम फ्लेम पे घी के अंदर फ्राई करूँगी। दूध बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था। ये देखिए, सिवैयाँ भी सब निकाल ली हैं मैंने यहाँ पे, और अब सिवैयों को मैं मीडियम गोल्डन ब्राउन करूँगी, और दूध हमारा बॉयल हो रहा है। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है वैसे मेरी ये। देखें, ये दूध बॉयल हो गया है, तो इसमें मैंने इलायची और ज़ाफ़रान डाल दी है। इसके साथ थोड़ी देर बॉयल होने दूंगी। ज़ाफ़रान की खुशबू और इलायची की बहुत अच्छी आती है। सिवैयाँ ब्राउन हो गई थी, मैंने निकाल ली थी, अब बॉयल हो गया था दूध, तो मैंने इसमें डाल दी है ना, और इसको पकने दूंगी। ये गाढ़ा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना भी आप लोगों को पसंद है ना। देखें ये, फिर इसके अंदर मैंने मेवा डाल दी है सारी, मेवा के साथ भी इसको मैं पकने दूंगी। देखिए, इस तरह मिक्स कर दिया, फिर इसमें मैंने शुगर डाल दी है ना। शुगर डालने के बाद भी इसको थोड़े से पकने देंगे हम लोग, और अपने हिसाब से गाढ़ा रख लीजिए। ये शीर खुरमा हमारा तैयार है, और आज की ये केवड़ा डाल दिया है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा। और आज की अच्छी सी बात ये है कि आप अपने नेबर्स का और बाकी लोगों का ख्याल रखें। हमारे तो नेबर्स में गोरे रहते हैं, तो कभी केक दे दिया, कभी कोई चीज़ दे दी हमने उनको, तो इस तरह से हम शीर खुरमा तो ज़ाहिर है वो लोग खाते नहीं हैं। तो बस आज की अच्छी बात यही है कि इस ईद की खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, इंशाल्लाह। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।